हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें कोई जात पात भेदभाव आदि नहीं है, ये उत्सव सबके लिए है। अब इसे दिवाली कह सकते हैं या ईद, आप इसे गुरुपुरब भी कह सकते हैं या बुद्ध जयंती, किसी भी नाम से पुकार कर इसे मनाया जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आप इस उत्सव में भागीदार होंगे? द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष दुनिया की सबसे बड़ी जनतंत्र है और हमारा भारतवर्ष एक उत्सव मना रहा है, जनतंत्र का उत्सव। इलेक्शंस 17वीं लोकसभा का इलेक्शन, ये इलेक्शन तय करेंगे कि हमारा राष्ट्र अगले 5 वर्षों में कहां और किस तरफ जाएगा। That's right, and hence this festival that we call the festival of democracy is not a choice. You do not have a choice to celebrate it or not, because if you make a choice of not celebrating it today, that's a choice you're making for your future and the future of your children. सही कहा दिलीप, इस त्योहार को हम सबको मनाना है, हमें इस त्योहार में अपनी भागीदारी देना है, हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। And hence, it is important that every one of us go out there and vote, and that we vote for the right candidate. बिल्कुल, दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है right candidate। दोस्तों हम एक बहुत ही simple राष्ट्र हैं और हमारी जनता भी बहुत ही simple है। बरसों से मिस रूल की वजह से हमारे राष्ट्र का प्रोग्रेस बहुत ही धीमी गति से हुआ है। In fact, when countries who started with us jumped many fold and are being called as a developed country, we are still a developing country. Have you thought why? India has a high count of productive population in the world. We are part of every major research and development that is happening in the world. In fact, Indians are driving a lot of development across the world. But then why is it that we as a country are still a developing country? जवाब क्लियर है ना दिलीप, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले 65 सालों के हमारे गवर्नमेंट ने हमारे राष्ट्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, वो सारे अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे, एंड वी आर टैक्स पेयर्स वर बेयरिंग ऑल द बर्डन ऑफ दीस स्कैम्स। करेक्ट, मल्टी क्रोर स्कैम्स वर अ फीचर ऑफ ऑल द अर्लियर गवर्नमेंट्स। पुअर इन द कंट्री रिमेंड पुअर। There wasn't really anything to call as development except for the natural growth that we saw of our country. पर ये सब पुरानी बातें हैं, है ना दिलीप? That's right. Things have changed in the last 5 years. We had an honest government which honestly worked on the progress of the country and its people. A scam-free, honest government. सही बात है, सच्ची सरकार, और हमें ऐसी ही सरकार चाहिए, है ना? Right. This government might not have been able to achieve everything, but we know that they are on the right path. They have laid the foundation in the last 5 years, and now they will be able to build on this foundation in the next 5 years, and that is where we'll see the actual growth. And we, India, will be called as a developed country. And we really need such a government. तो दोस्तों हमारी आप सबसे गुजारिश है कि कल जाएं और वोट करें, सही सरकार चुनें, सही रिप्रेजेंटेटिव चुनें जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए काम करे। That's right. Don't celebrate this day as a holiday. In fact, let us go out and vote and elect a clean government and a clean representative who can take forward the development of our country. And on that note, let's get on to today's recipe. So what is the recipe for today, Pooja?
दिलीप, आज हम बनाएंगे रागी पनियारम, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इनफैक्ट आप इसे चाय के साथ भी शाम के टाइम जब भी आप चाय बनाते हो उस टाइम पे बना सकते हो और खा सकते हो। और यहाँ तक कि इस रेसिपी को आप जब कोई गेस्ट आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो उस टाइम पे भी आप इसे बना सकते हो। तो ये एक ना सिर्फ ईजी रेसिपी है बल्कि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी पूजा। श्योर दिलीप, तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे इडली बैटर 1 कप, 1/4 कप हमें चाहिए होंगे रागी फ्लार, 1 प्याज चाहिए होंगे जिसे कि हम बारीक से काट लेंगे, 2-3 ग्रीन चिली चाहिए होंगे जिसे कि हम बारीक काट लेंगे, फिर हमें थोड़े से करी पत्ता चाहिए होंगे जिसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती चाहिए होंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून आप ले लें, उसे भी आप काफ़ी बारीक काट लें। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/4 टीस्पून राई, 1 टेबलस्पून नारियल तेल और थोड़े से तेल चाहिए होंगे जिसे कि हम पनियारम को फ्राई कर पाए, और नमक स्वाद अनुसार। सो ऑन टू द इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस रेसिपी, वील नीड इडली बैटर 1 कप, रागी फ्लोर 1/4 कप, ऑनियन 1 फाइनली चॉप्ड, ग्रीन चिलीज अबाउट 2-3 फाइनली चॉप्ड, करी लीव्स अबाउट 6 फाइनली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड, उड़द दाल 1/2 टीस्पून, मस्टर्ड सीड्स 1/4 टीस्पून, कोकोनट ऑयल 1 टेबलस्पून, ऑयल टू शैलो फ्राई एंड सॉल्ट टू टेस्ट। तो फिर चलिए अब इसे बनाने की बारी है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले काम करेंगे कि एक छोटा सा पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे नारियल का तेल, और आप आंच को बिल्कुल मध्यम रखें इस टाइम पे, और उसमें फिर डालेंगे हम राई। जब आप देखेंगे कि राई कड़कने लग गया है तब आप इसमें डालें करी पत्ता और उसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसमें डालें उड़द दाल जिसे कि हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक, और फिर बारी है डालने की प्याज और हरी मिर्ची जिसे हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा पिंक कलर सा ना हो जाए, और बस उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और इस मिक्सचर को ठंडा होने दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट कोकोनट ऑयल इन अ स्मॉल पैन ओवर मीडियम फ्लेम, देन ऐड मस्टर्ड सीड्स टू इट। वंस द सीड्स स्टार्ट क्रैकलिंग ऐड करी लीव्स एंड फ्राई फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। Then add urad dal to it and fry until slight brown. Now add chopped onion and green chili and saute until the onion turns light pink. Then turn off the flame and let the mixture cool down. और फिर इसके बाद हम एक काम करेंगे कि हम एक थोड़ा सा बड़ा सा बोल लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे हमारे इडली डोसा बैटर को, जो कि इडली डोसा बैटर बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो जब भी आप ग्राइंड करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है और थोड़ा सा खट्टा बना जाता है, तो वो बैटर जो है इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट बैटर होता है। तो उसके बाद हम एक काम करेंगे, जब हम इसमें इडली डोसा बैटर डाल देंगे बाउल में, उसमें हम डालेंगे ऑनियन मिक्सचर जो अभी अभी हमने बनाया था, और थोड़ा सा उसमें डालेंगे हम धनिया पत्ती और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें, और जब बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपको ये देखना है कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो डोसा बैटर की तरह बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ना ही वो इडली बैटर जैसा बहुत ही गाढ़ा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप इसमें पानी डालें और मिक्सचर की कंसिस्टेंसी तैयार करें। And take a large bowl and add the idli dosa batter to it. Then add the onion mixture that we just made, coriander leaves and salt to taste, and mix all of this really well. The batter should not have runny consistency like that of dosa batter. This is something that you might want to keep in mind. And neither should it be too thick like that of idli batter. So you can add a little water if you think that the mixture is too thick. अब हम पनियारम पैन जो होता है उसे गरम करेंगे। दोस्तों पनियारम पैन जो है जनरली साउथ के साइड मिलना बहुत इजी होता है, बट आजकल तो क्या किसी सिटी वगैरह मैटर नहीं करता, जब ऑनलाइन का ज़माना है तो आप बस अमेज़ॉन पे लॉगिन करें और आपको पनियारम पैन वहाँ मिल जाएगा। तो फिर आपको पैन गरम करना है और आँच को आपको बिल्कुल मीडियम रखना है, और उसके बाद हम जो उसमें गोल गोल से मोल्ड बने
हुए हैं उन सारे मोल्ड में थोड़े थोड़े ऑयल डालने हैं, कुछ ड्रॉप्स डालने हैं इनफैक्ट तेल के, और उसके बाद एक स्पून से जो है बैटर को हम उस हर मोल्ड में डालेंगे। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप 3/4 जो मोल्ड है उसमें 3/4 तक ही फिलिंग करें बैटर से, ताकि जब आपका बैटर फूल कर ऊपर आएगा तो वो बिल्कुल लेवल में होगा। और उसके बाद आप इसे ढक्कन से ढक दें। जब आप पोर कर देंगे तो आपको इसे ढकना है और बिल्कुल मीडियम आंच पर तकरीबन 2-3 मिनट तक आपको इसे पकाना है। और उसके बाद 2-3 मिनट जब हो जाए तो आप ढक्कन हटाएं और उसके बाद इस पनियारम को पलट दें। जितने भी उसमें पनियारम डाले हैं आपने उसे फोर्क या स्पून की सहायता से पलट दें और दूसरी साइड भी इसे अच्छे से पकाएं, जब तक कि आप देखें कि लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और उसके बाद बस हमें इसे स्पून से ट्रांसफर करना है प्लेट में और बस इसे सर्व करें काला चटनी के साथ या फिर कोई भी कोकोनट चटनी जो कि आपकी फेवरेट हो, आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। Now you can heat a panyaram pan over medium flame. If you don't have a panyaram pan, it should easily be available on Amazon. You can search on Amazon or you can even find the link for this panyaram pan on our website at thetasteofindia.com. Then add a few drops of oil in each of these round molds and pour a spoonful of batter into each one. Ensure that you're only filling until 3/4 of each of this mold, because when this gets cooked, it naturally becomes a little fluffy and it becomes the level of the mold. Cover it with a lid or a plate and cook over medium flame for around 2-3 minutes or until the bottom surface turns light golden brown. Then remove the lid and flip each panyaram using a fork or a spoon. Cook another side for about a minute until the bottom surface turns light golden. Then remove them using a spoon and transfer them to a plate. Your panyaram is ready. You can serve it hot along with kara chutney or any kind of coconut chutney of your choice. तो फिर श्रोताओं, है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, जब भी आपको लेजी सा फील हो रहा हो और बहुत ज़्यादा कुछ हैवी बनाने का मन ना कर रहा हो तो ये बना सकते हैं। इनफैक्ट ये हेल्दी भी है, तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो ऑनियन सॉटे किया है, अगर आपको मन नहीं कर रहा हो ऑनियन सॉटे वगैरह करने का, तो आप इसमें बिल्कुल कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं चॉप करके। और दूसरी बात ये कि इसमें मैंने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है सॉटे करते वक्त, तो अगर तो आप इसे सॉटे करना है और अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो इससे बेसिकली इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बट अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप इसके लिए इसमें जो है नॉर्मल तेल जो है वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। Those are some very nice tips. So like what Pooja said, if you don't want to saute the onion like what we've done here, you can use it just like that in the batter. You don't really need to saute it, so that's entirely your choice. And if for any reason you do not have coconut oil, you can use the other alternate oils that you have as well. But coconut oil gives it a nice flavor. That is primarily why we use coconut oil. So that is it for this recipe, Pooja. That's it, Dilip. पर एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर तो आप सॉटे नहीं कर रहे हैं तो श्रोताओं, यहाँ पर आपको राई की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उड़द दाल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सॉटे करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है प्याज कटा हुआ डालना है, धनिया पत्ती डालनी है और थोड़ी सी ग्रीन चिली डालनी है। Okay. So I think that is it for this recipe, Pooja. That's it, Dilip. So that's it for today's episode. I hope you enjoyed this recipe, panyaram recipe. And if you did, do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card and the show notes. You will also find a lot of tips and tricks at thetasteofindia.com. Keep listening to this podcast. If you enjoyed this podcast, then do give us a genuine rating and a review on iTunes, because your ratings helps in the overall ranking of this show on iTunes. You can listen to this podcast on pretty much every podcasting platform. So whatever is your favorite podcasting platform, go ahead, search for the Taste of India podcast and we should be there. I hope you enjoyed this episode. We'll come back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast and you all have a wonderful rest of the week.